शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो तमाम दिलों के हाल बखूबी जानता है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेजबान शिराज का सलाम पहुंचे। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तानी जंगी तैयारे के हवाले से एक बड़ी आम खबर निकल कर सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्लॉक 3 चंद दिनों में ही पाकिस्तानी फजाइया में शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर पाकिस्तानी GF-17 थंडर की प्रोडक्शन के हवाले से है, जिसके बारे में सुनते ही भारतीय मीडिया के होश उड़ गए। दोस्तों, इस हवाले से मजीद मगरबी मीडिया और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मुतमन्ना इल्तमास करता हूँ कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए चलते अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, भारत की जानिब से GF-17 थंडर के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन ने GF-17 थंडर की तैयारी में बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ी हुई है। दोस्तों, भारतीय मीडिया का कहना है कि चीन के सरकारी अखबार दी ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में अब तक पाकिस्तानी तैयारे GF-17 थंडर ने डिलीवरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन ने पिछले 5 सालों में इस साल के पहले 6 महीनों में सबसे ज्यादा GF-17 थंडर तैयारे डिलीवर किए हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया का कहना है कि ये तैयारा F-16 से ज्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन तैयारा है, और इस तैयारे का शुमार दुनिया के टॉप 10 तैयारों में भी हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान ने ये तैयारे लद्दाख और अस्करदू एयरबेस पर भी तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने इस तैयारी को बनाने में कितना बड़ा संग मील अबूर कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान चंद ही दिनों में चीन की मदद से एक थंडर तैयारा बनाता है, जबकि पाकिस्तान एक साल में 24 थंडर तैयारे बनाता है। दोस्तों, दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेज रफ्तारी के साथ थंडर तैयारे बना रहा है, इंशाल्लाह अगले चंद सालों में सबसे ज्यादा तैयारे रखने वाला मुल्क पाकिस्तान होगा। दोस्तों, ये तैयारा अपनी खतरनाक टेक्नोलॉजी की वजह से मगरबी मीडिया और भारतीय मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, और यही वजह है कि बहुत से ममालिक की नज़रें पाकिस्तान के थंडर पर जमी हुई हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज का नाम नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा एक दुआ में याद रखा करें। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।